दारुल उलूम देवबंद का फरमान एक आया है और फरमान में ये कहा गया है कि एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं होगा, एंड्रॉयड मोबाइल पर रोक लगा दी गई है और तालीम के दौरान यानी शिक्षा दीक्षा के दौरान छात्रों के फोन रखने पर पाबंदी लगाई गई है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। तो ये नया फरमान है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस फरमान को कितना माना जाएगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो हमेशा मोबाइल फोन रखती है और एंड्रॉयड फोन का एक तरह से जमाना है, तो ऐसे में ये फरमान तो आया है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या वाकई हो पाएगा, इसको लेकर जरूर एक सवाल खड़ा किया जा सकता है। छात्रों के फोन रखने पर दरअसल ये पाबंदी लगाई है, खासतौर से वो छात्र जो कि पढ़ाई करते हैं स्कूलों में कॉलेजों में, उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद का ये फरमान कहाँ तक मान्य होगा, इसको लेकर जरूर एक संशय है। अरशद फारूकी प्रवक्ता हैं दारुल उलूम के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूकी साहब, 21वीं सदी में जबकि एंड्रॉयड का ही जमाना है, एक तरीके से सब कुछ हम उसी पर देखते हैं, आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं क्यों? देखिए, दारुलूम ने जो एंड्रॉयड मोबाइल पे स्टूडेंट्स के लिए पाबंदी लगाई है वो तरबियत और उनके देखभाल की हैसियत से लगाई है, ताकि बच्चे पढ़े ज्यादा और दीगर कामों में मसरूफ न रहे। अलबत्ता वो चीजें जिससे वो गूगल पे या इंटरनेट के जरिए जो मालूमात हासिल कर सकते हैं या ये कि वो लाइब्रेरी से फायदा उठा सकते हैं, तो गालिबन ऐसी चीजों पे पाबंदी नहीं लगाई गई। नहीं, ये कैसे तय करेंगे, किसी के पास मोबाइल है तो उसमें वो क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा? हाँ, तो पाबंदी उन्होंने इसीलिए लगाई थी, एंड्रॉयड मोबाइल जनरल तौर पे वो इस्तेमाल पे पाबंदी लगी है। अलबत्ता कैफे में जाकर या अपने जाती उस पे अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और नए मालूमात को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है, तो ऐसी बदलावों में कोई सराहत नहीं की है। सिर्फ एंड्रॉयड सेट पे के वो क्लासरूम में और आपके दारुल इक़ामा में लेकर नहीं आ सकता, ये पाबंदी लगी है जी। ये सिर्फ एंड्रॉयड फोन को लेकर है या एप्पल ब्लैकबेरी वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप? ये कैसे आप, मतलब ये बड़ा एक तरीके से बड़ा फिजूल लगता है वो इस जमाने में कि आप ये कह रहे हैं कि छात्र ज्यादा पढ़े इस वजह से हम एंड्रॉयड मोबाइल पर बैन लगाना चाहते हैं। जी हाँ, इस वास्ते के बसा औकात ऐसा होता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट जो है मोबाइल लेके चले आते हैं या ये कि पढ़ने के वक्त में हॉस्टल में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको वक्ती तौर पे पाबंदी लगाई गई है ताकि वो पढ़ाई में। ये तो स्कूल कॉलेज तय करेगा ना सर, ये स्कूल तय करेगा, कॉलेज में तो खैर वो रोक भी नहीं हो सकती है, स्कूल में तो फिर भी हम एक लिहाज से मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 12वीं तक तो बच्चा ना लेकर जाए, और बहुत से स्कूलों में पहले से ही बैन है, नहीं ले जाया जाता है, तो ऐसे में आपकी तरफ से नया फरमान लाने की क्यों जरूरत पड़ गई? नहीं, क्योंकि दारुलूम में आमतौर पर मोबाइल के इस्तेमाल पे पाबंदी नहीं थी, जब उन्होंने देखा कि वो नुकसानदेह है तो इस वास्ते एंड्रॉयड मोबाइल पे पाबंदी लगाई है, कोई नई बात नहीं है, तरबियत के नुक्ते नजर से ऐसा इकदाम किया गया है। आपको लगता है कि इसका एक असर होगा और छात्र मानेंगे आपके इस फैसले को? जी हाँ, जब कोई कानून बनता है तो लोग उसका लिहाज करते हैं और उसके पाबंदी करते हैं, हमारा तजुर्बा ये रहा है। तो आपके यहाँ जो छात्र आएंगे, आप ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बात कर रहे हैं, बाकी जो छात्र बाकी स्कूल कॉलेजों का रुख करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनके लिए ये फरमान नहीं है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ दारुलूम ने अपनी चहारदीवारी में ये पाबंदी लगाई है। ठीक है, अब दारुलूम के बाहर कोई आता है रूम लेकर तो वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दारुलूम की चहारदीवारी और उसके हॉस्टल और क्लासरूम में कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेकर ना आए। ठीक है, आपकी तरफ से तो हो गया है फैसला, अब देखना होगा कि छात्र इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या इस फैसले को मानते हैं। बहुत शुक्रिया।